इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लॉगिन रिक्वेस्ट को कैसे डिसेबल कर सकते हैं, अगर ये आपकी इनेबल हो गई है, या फिर आपकी डिसेबल है तो आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर अगर आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है तभी आप इस फीचर को ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ पर तीन लाइनों पर जाना पड़ेगा एंड सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी पर आपको जाना है। सिक्योरिटी पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो इस पर भी आपको चले जाना है। और जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है एडिशनल मेथड्स पर, इसको खोल लीजिए और यहाँ पर लॉगिन रिक्वेस्ट आपको दिख जाती हैं। तो आप यहाँ पर चाहे इसको डिसेबल कर सकते हैं, चाहे इसको इनेबल भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको डिसेबल रहने देते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है इसका पूरा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।